नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर ये है, 2 साल पहले बड़े जोरों शोरों से केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की थी। आज वो स्कीम दम तोड़ते नजर आ रही है। 2 साल पहले खेल मंत्रालय ने ये योजना इसलिए शुरू की थी कि अपने देश से कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जैसे ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम इसके लिए तैयार किया जाए। इस योजना के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हेतु सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसमें ओलंपियन बिंद्रा थे, प्रकाश पडगोन थे, पीटी उषा थी, मल्लेश्वरी थी। लेकिन आज स्थिति यह है, जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ ना तो उन्हें ट्रेनिंग में कोई सहायता मिली ना ही कोई वित्तीय सहायता मिली। हाई पावर कमेटी ने पत्र लिखकर खेल मंत्रालय को आगाह किया है, यदि स्थितियां सुधरी नहीं तो आने वाले कॉमनवेल्थ और एशियाड में देश को शायद एक भी मेडल मिलना मुश्किल होगा। खबर के पीछे की खबर यह है, सरकार ने यह योजना तो बहुत अच्छे नियत से शुरू की थी, लेकिन अफसरशाही के चलते और वित्तीय संकट होने के कारण ये योजना दम तोड़ते नजर आ रही है। हमारे देश में बड़ी अजीब स्थिति है, जब खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में कोई मेडल लेके देश लौटता है तो हमारे यहाँ विभिन्न एजेंसियां उसे करोड़ों रुपए से नवाजती है, जमीनें मिलती है, नौकरियां मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए जो खर्च होना चाहिए, जो मदद खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इसके तरफ ध्यान देगी? यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।